वेकोलीवानी क्षेत्र की मुंगोली खुली खदान में एक दर्दनाक घटना हुई, जब डोजर की चपेट में आने से सीनियर मैनेजर गणेश मोहतो की मौत हो गई। हमारे विशेष संवाददाता प्रणय कुमार बंडी ने हमें जानकारी दी है कि वेकोली वनी क्षेत्र की मुंगोली खुली खदान में शाम पौने 5 बजे के आसपास स्टॉक प्रिपरेशन के दौरान व्हील डोजर वाहन के चपेट में आने से नोडल ऑफिसर तथा सीनियर मैनेजर गणेश मोहतो की दर्दनाक मौत हो गई। वेकोली वनी क्षेत्र के मुंगोली खुली खदान में मंगलवार के दिन करीब शाम पौने 5 बजे के आसपास स्टॉक प्रिपरेशन के दौरान दूसरे पाली में मुंगोली खुली खदान में नोडल ऑफिसर और सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत गणेश मोहतो, जिनकी उम्र लगभग 52 वर्ष बताई जा रही है, इस अधिकारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उस समय व्हील डोजर पर डंपर ऑपरेटर डेसिग्नेशन पर कार्यरत डवस नाम कामगार कार्यरत होने की जानकारी मिल रही है। घटनास्थल से करीब शाम 7 बजे के आसपास घुघु स्थित वनी क्षेत्र के राजीव रतन केंद्रीय चिकित्सालय में नोडल ऑफिसर एवं सीनियर मैनेजर गणेश मोहतो के मृत शरीर को लाया गया। इस समय चिकित्सालय में वेकोली वनी क्षेत्र के ताराडी के CGM कावले सहित संबंधित आला अधिकारी, यूनियन के पदाधिकारी व कामगार उपस्थित थे। खबर भेजे जाने तक शव अस्पताल में ही रखा गया था। CTV न्यूज के लिए हमारे विशेष संवाददाता प्रणय कुमार बंडी की रिपोर्ट।